वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम बात करेंगे IOTA फाउंडेशंस का IOTA प्रोटोकॉल और MIOTA टोकन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। फ्रेंड्स दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IOTA.org। जी हाँ, इसकी ये ऑफिशियल वेब पोर्टल है, वेबसाइट है। होम पेज अगर देखेंगे काफी इंटरेक्टिव है, काफी अच्छा बनाया हुआ है। पूरी वेबसाइट जब मैंने चेक की है, वेबसाइट बहुत बड़ी है, हर एक चीज को डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया गया है। पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे आने वाले टाइम में क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के वेब थ्री में कैसे काम करने वाला है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीपल डेवलपमेंट जो हो रही है क्रिप्टो में उसको कैसे ये देखता है, और कहाँ से आने वाले टाइम पे आपको कितना इसमें फायदा हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे एक्सप्लेन करती है अच्छे से प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट को अगर आप समझ लेते हैं, इसे आप जान लेते हैं, तो आने वाले टाइम में आपके पोर्टफोलियो में काफी अच्छी एक बढ़ोतरी और एक क्रिप्टो जेम जिसे कह सकते हैं, वो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में इजिली ऐड कर सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लेनी होगी, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस प्रोजेक्ट को समझना वो जरूरी है, क्योंकि हर चीज केवल ट्रेड और प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए भी बताई जाती हैं, उस चीज को भी आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों आइए IOTA प्रोजेक्ट को समझते हैं उसके व्हाइट पेपर के माध्यम से। ये इसका ऑफिशियल व्हाइट पेपर है, IOTA फॉर बिजनेस परमिशनलेस इनोवेशंस। फ्रेंड्स इन दिस व्हाइट पेपर दे हैव वेरी क्लियरली मेंशन what IOTA does and how it will impact the coming crypto futures in the countries. Welcome to IOTA, grow your business opportunities through secure and scalable distributed ledger technology. अब पूरी बात यहाँ पर दोस्तों घूम फिर के आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जिसे हम DLT भी कहते हैं, और इसे ये कह रहे हैं कि ये स्केलेबल है। इनका जो अलग से ब्लॉकचेन है खुद की IOTA की, वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है उससे काफी अलग है, और उसके जो एडवांटेज हैं और उसके जो फीचर्स हैं वो आपको आने वाले टाइम में जब आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे तब आपको इजीली महसूस करेंगे, आप उसको फील करें, क्योंकि इसमें वो डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। वेयर विल योर बिजनेस बी इन 5 or 10 years? द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी ऑफ द नियर फ्यूचर कैन सीम एज बीवरिंग एज इट इज एक्साइटिंग विद सेवरल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस रीड्रॉइंग द रोड मैप presenting new challenges and creating opportunities for new business models and job creation. So IOTA is here to help your business face these challenges head on. तो किसके बारे में बात की जा रही है? बात की जा रही है उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन्हें इनिशियल स्टेज पे काफी सेटबैक मिलते हैं, जिन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर IOTA उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को, बिजनेस मॉडल्स को और जॉब क्रिएशन की जो यहाँ बात कर रहे हैं उसे ये काफी तरजीह दी जा रही है। A hyper connected future is being built on top of artificial intelligence, machine learning and billions of interconnected devices that exchange data and value, enabling machines to become active economic agents and unprecedented amount of data to be processed in real time. Think of electric cars that store energy before selling that energy back into the grid using the charging stations as a conduit or devices that track the delivery of goods across an entire supply chain. Meanwhile, the combination of decentralized ledger technology and cryptocurrency is creating new token economies that open the previous undreamt of business models and communities such as NFTs, decentralized autonomous organizations, which is DAOs, tokenizing previously dormant assets and smart contracts, and the advent of decentralized internet, which is Web3, with DeFi, which is decentralized finance, as its first killer app, promises a shift away from a centralized platform economy to an ecosystem in which all contributors can profit in value creations. For business to compete in this new digital economy, they need to be on top of data security and take advantage of flexible new business models such as monetization of data, functional on demand and pay per use. So, इन सब चीजों को जिसकी मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जिसमें आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिलियंस इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, चाहे फिर उसे आप एक्सचेंज डेटा के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे मोबाइल फोन का डेटा ले सकते हैं, चाहे आपका जो पर्सनल डेटा है उसकी बात कर सकते हैं, चाहे आप इंटरनेट में पड़े सर्वर्स की बात कर सकते हैं, चाहे आप ATMs की बात कर सकते हैं, चाहे पूरे एक फाइनेंशियल सिस्टम की यहाँ बात करें, तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो बदलती जा रही हैं समय के साथ। अब इन सारी चीजों को इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के माध्यम से एक जोड़ने को और एक नया रूप देने की यहाँ बात कही गई है। इसमें आप इस चीज को भी समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके साथ जो चार्जिंग स्टेशन हैं, जो कंड्यूट हैं, जो एंटायर सप्लाई चेन है, और आपका जो NFTs हैं, DAOs हैं,
उसके साथ आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज की नई इकोनॉमीज जो बनती जा रही है, इन सब चीजों को जोड़ते हुए Web3 जो कि पूरा नया कंसेप्ट है, डिसेंट्रलाइज फिनांस है, और इसके साथ जो दूसरा पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम्स है, और इसके साथ जो कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमी चली हुई है, इन सब की जो वैल्यू क्रिएशन की यहाँ पे बात की गई है, उसे IoTA अपने माध्यम से डिफाइन करके आपके समक्ष पेश करने की बात कर रहा है। नाउ IoTA बिल्ड्स द टेक्निकल डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द न्यू इकोनॉमी। तो ये जो मैंने आपसे सारी बातें शेयर की है, सारी किसके अंडर आएंगी? दीज थिंग्स विल कम्स अंडर न्यू इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज फ्री फॉर यू टू यूज टू एम्पावर योर बिजनेस। तो एक पूरा का पूरा सेटअप, एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप आपको दे दिया जाएगा जहां आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब IoTA यहां पर और क्या कर सकता है? इन एडिशन टू दिस, IoTA इज अ ग्रीन डिसेंट्रलाइज्ड एंड ओपन सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है IoTA? IoTA यहां पर ग्रीन डिसेंट्रलाइज्ड है, ओपन सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट इज बिल्ट ऑन द IoTA टैंगल। अभी IoTA टैंगल क्या है? जैसे आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे IoTA ने खुद की ब्लॉकचेन है जिसे IoTA टैंगल का नाम दिया है, विच इज एन ओपन फीलेस एंड हाईली स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रोटोकॉल है, डिजाइन टू सपोर्ट फ्रिक्शनलेस डेटा एंड वैल्यू ट्रांसफर। सो IoTA इज अ डिजाइन टू बी द मोस्ट रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी फॉर Web3 एप्लीकेशंस एंड डिजिटल इकोनॉमीज। तो एक पूरा सेटअप, एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे IoTA ने बनाया हुआ है जो बहुत ही पावरफुल है। सो IoTA एम्पावर बिजनेस लाइक योर्स टू बिल्ड सॉल्यूशन विद ओपन सोर्स टेक स्टैक। इट्स प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन सॉल्व स्पेसिफिक इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स एंड ऑफर ए ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज टू यूजर, व्हाइल इट्स सीरीज ऑफ फ्रेमवर्क मेक इट इजी टू टेलर योर सॉल्यूशंस अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स। इट ऑल्सो ओपन अप विद द फील्ड फॉर कंप्लीटली न्यू इमर्जिंग वर्टिकल्स दैट बेनिफिट फ्रॉम Web3 क्वालिटीज सच एज डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्टलेस वेरीफाइबिलिटी, सेल्फ गवर्नेंस, न्यू फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, नेटिव बिल्ट इन पेमेंट्स, नेटिव टोकन इंटरऑपरेबिलिटी एंड मोर। IoTA कैन एड योर बिजनेस ओवरकम रोड ब्लॉक्स। तो यानी कि इतनी सारी चीजें IoTA यहाँ पे करने वाला है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, विच इज सिक्योरिटी इज द नंबर वन, नेटवर्क स्टेबिलिटी की यहाँ बात की जाती है, कंट्रोल की यहाँ पर बात की जा रही है, मोनिटाइजेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इतने सारे फीचर्स देने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी ब्लॉकचेन, एक ऐसा DLT सिस्टम जो आपको क्रिप्टो में एक अच्छे मुकाम पर लेके जा सकता है, और इन्हीं सभी फीचर्स के चलते ये दूसरे ब्लॉकचेन और दूसरे DLT से काफी अलग है। द IoTA प्रोटोकॉल नोन एज द टैंगल इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी विच इज DLT। एज सच इट ऑफर्स एवरीथिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफर्स एंड मोर। इट इज बिल्ट ऑन अ डिफरेंट टेक्निकल बेसिस यूजिंग अ डायरेक्टेड एसिलिक ग्राफ विच इनेबल्स द पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे बात आ जाती है रियल वर्ल्ड यूज केस की। जी हाँ, जहां पर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिफर करती है, जो आपकी ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलती आ रही है उससे ये अपने आप को अलग कर लेता है यहाँ पे आई। इन एडिशन टू दैट, IoTA टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच टू प्रोवाइड अ जनरल यूजेबल स्केलेबल इंटरऑपरेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क। जी हाँ, इस चीज को आप समझिए, तो इस हिसाब से IoTA ने जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम्स है, उससे एक अलग डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे ली है जो हाईली स्केलेबल है, हाईली यूजेबल है, हाईली इंटरऑपरेबल है और एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क है। द टैंगल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअली द टैंगल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअली कनेक्टेड ट्रांजेक्शन फॉर्मिंग ए डायरेक्टेड एसिडिक ग्राफ। ईच न्यू ट्रांजेक्शन वैलिडेट एटलीस्ट टू प्रीवियस ट्रांजेक्शन। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये काम कर रहा है। वेयर एज ब्लॉकचेन रिलाइज ऑन माइनर्स टू सिलेक्ट एंड एग्रीगेट द ट्रांजेक्शंस विद द हाईएस्ट फेज इनटू अ सीक्वेंशियल चेन ऑफ ब्लॉक, द टैंगल कैन प्रोसेस ट्रांजेक्शंस इन पैरेलल स्केलिंग विद ग्रोइंग एक्टिविटी इन द नेटवर्क। एज ट्रांजेक्शंस आर कंफर्म्ड बाय द यूजर ऑफ द नेटवर्क एंड कैन बी हैंडल्ड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, द IoTA प्रोटोकॉल ऑफर्स बेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस एज वेल एज इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेड थर्ड पार्टी वैलिडेटर्स एंड माइनर्स। तो इस हिसाब से जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन थी जो टोटली माइनर्स पर डिपेंड रहा करती थी किसी भी ट्रांजेक्शन और उसकी हाईएस्ट फीस को एक सिक्वेंशियल चेन ऑफ ब्लॉक में लाने के लिए, वही टैंगल दूसरी ओर जो ट्रांजेक्शन है उनको पैरेलल वे में रन करता है, अच्छे से स्केल करता है और ट्रांजेक्शन को कंफर्म करता है यूजर्स के साथ नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी अराइज ना हो। दोस्तों ये समझिए, IoTA कैन बी यूज फॉर सिक्योर डेटा ट्रांजेक्शन विदाउट हैविंग टू बाय और होल्ड क्रिप्टो करेंसी। दिस डिस्टिंग्विश IoTA फ्रॉम अदर ब्लॉकचेन और DLT प्रोटोकॉल एज इट इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर द कंपनी दैट वांट टू बेनिफिट फ्रॉम अ DLT बट आर कंसर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसी। सो इंस्टेड ऑफ अ टोकन फी, इन सम केस IoTA रिक्वायर अ डिपॉजिट्स ऑफ टोकन टू सिक्योर डेटा ऑन द मेन लेजर। दिस डिपॉजिट विल बी रिटर्न इन फुल विद द इशू आर्काइव्स द डेटा। IoTA में यहाँ पर आपको कोई टोकन फीस नहीं लगेगी,
तो यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर आपके जो टोकन है उसको डिपोजिट कर लिया जाएगा। जैसे ही आपका जो डेटा है वो एक बार आर्काइव हो जाता है, उसके बाद आपको पूरे के पूरे टोकन वापस कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहां पे कोई भी आपसे फीस नहीं ली जा रही, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड दिस फी लेस। दूसरा है, बिजनेस कैन ऑल्सो डिराइव वैल्यू फ्रॉम आईओटीए फ्रेमवर्क विच एक्सटेंड द कोर प्रोटोकॉल विद एडेप्टेबल सोल्यूशन दैट सॉल्व ओवरएसिंग प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, द आईओटीए आइडेंटिटी फ्रेमवर्क इनेबल्स पीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड मशीन टू क्रिएट एंड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर डिजिटल आइडेंटिटी, वाइल आईओटीए स्ट्रॉन्ग होल्ड आइसोलेट्स डिजिटल सीक्रेट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू हैकर्स एंड एक्सीडेंटल लीक्स। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द सेम फंक्शनैलिटी फ्रॉम स्क्रैच टू एवरी एप्लीकेशन, बिजनेस कैन रिलाई ऑन फ्रेमवर्क अडेप्टिंग देम टू देयर नीड्स। तो इस एसएलई ग्राफ के माध्यम से दोस्तों आप समझिए कि नॉर्मल ब्लॉकचेन में जब कोई सिंगल ट्रांजेक्शन होता है, दैट इज कनेक्टेड ब्लॉक्स विद लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ईच, यानी कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन अगर कनेक्ट करने जाएंगे उसकी जो ट्रांजेक्शन वो लिमिटेड रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर आईओटीए में सिंगल ट्रांजेक्शन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा ट्रांजेक्शन के साथ। कैसे? बिकॉज ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज, लो स्केलेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल ट्रांजेक्शन फीस होती है, लो थ्रूपुट, हाई एनर्जी यूज। वहीं आईओटीए में आपको डिसेंट्रलाइज होगा, हाईली स्केलेबल, नो ट्रांजेक्शन फीस, हाई थ्रूपुट, लो एनर्जी यूज। इस हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल ब्लॉकचेन से आईओटीए कैसे अलग है। विच फीचर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड व्हाई दे मैटर? आईओटी हैज बीन डेवलप्ड एज अ बेस लेयर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ डेटा एंड वैल्यू विदाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ ब्लॉकचेन। आईओटीए इज सिक्योर, आईओटीए इज फीसलेस, उसके बाद आईओटीए इज लाइट वेट, आईओटीए इज फ्रिक्शनलेस। तो ऐसे आपको अलग अलग यहाँ पे इसके फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आईओटी इज स्केलेबल, आईओटी इज परमिशनलेस एंड लीडरलेस, आईओटी इज ओपन सोर्स, आईओटी इज बीइंग स्टैंडर्डाइज, आईओटी इज फ्लेक्सिबल। तो ये सारे जो फीचर्स हैं इसके दूसरी ब्लॉकचेन से इसे अलग करते हैं। व्हाई एंड व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज आईओटीए, यानी कि आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कब यूज करेगी? द बेनिफिट ऑफ आईओटीए डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। इन एसेंस इट मस्ट बी इवेल्यूटेड whether a trust mechanism can save money and time or whether fee-less value transaction can replace an existing payment model in a way that creates value. तो कौन कौन सी चीजें जहां पे आपको यूज करना चाहिए? डू यू नीड ए डी एल टी? यस, तब आप आई ओ टी यूज कर सकते हैं। डू यू नीड आई ओ टी फ्लेक्सीबल डेटा शेयरिंग? तब भी आप इसे यहाँ यूज कर सकते हैं। डू यू नीड आई ओ टी फीलेस क्रिप्टो करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? आप यहाँ पे एज एक्सचेंज से यूज कर सकते हैं। डू यू नीड आई ओ टी एज एन ओपन डी एल टी? आप तब भी इसे यूज कर सकते हैं। When do you not need a DLT? आप तब भी यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे वाइट पेपर में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। Which use cases can be built with IoTA? तो कौन कौन से यूज केस यहाँ पे बिल्ट किए जाएंगे, आइए उसे समझते हैं। इट कैन बी यूज एज ट्रस्ट लेयर एंड अंडरलाइन प्रोटोकॉल टू वेरीफाई डेटा सोर्सेज, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिटीज एंड ऑफिशियल सर्टिफिकेट, एंड द IoTA प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट दैट वर्ल्ड अदरवाइज रिलाई ऑन थर्ड पार्टीज। यानी कि थर्ड पार्टी पे डिपेंड ना हो कि आप डायरेक्टली आईओटीओ को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल एंड मशीन्स, माइक्रो पेमेंट, सिक्योर ग्लोबल अवेलेबल ट्रांजेक्शन रियल टाइम, और उससे भी ज्यादा आप आईओटीओ में यूज केस जोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी, ग्लोबल ट्रेड, सप्लाई चेन, ई हेल्थ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जहां पर आईओटीओ के यूज केस की बात की जा सकती है। IoTA is the underlying technology for many groundbreaking use cases. Over the next pages, we highlight some recent use case involving IoTA technology. Business, non-profits, government, EU-funded organizations have adapted different facets of IoTA for their specific needs. दोस्तों इसी के साथ कुछ और फीचर्स हैं जो आप इसकी वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट बहुत बड़ी है और हर एक वेबसाइट पे, हर एक लिंक पे आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसा आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ कुछ और यहाँ पे इन्होंने एडिशनल फीचर्स दिए हुए हैं जिसे आप इनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। डिजाइन एंटायरली विदाउट फीस, उसके बाद आईओटीए इज द बैकबोन ऑफ आईओटी, उसके साथ हम देखते हैं इनेबलिंग द मशीन इकोनॉमी है, द टैंगल। सो टैंगल की जैसे मैंने आपको समझाया, टैंगल इज आईओटीए नेटवर्क, इट इम्यूटेबली रिकॉर्ड्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड वैल्यू, इट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्थी एंड कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद नॉट डिस्ट्रॉयड। फीचर्स की बात की जाए, विच इज हाईली स्केलेबल, लो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, जीरो फी ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर आप समझिए, आप एक सेंट भेजते हैं, एक सेंट वहां रिसीव होता है। आप $1 million भेजेंगे, उनको $1 million ही रिसीव होगा, यानी कि जीरो फी ट्रांजेक्शन है, फास्ट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे विद इन मिनट्स कंफर्म हो जाएंगे। फिनैलिटी विद इन सेकेंड्स, ऑनेस्ट मैसेज आर अप्रूव वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, आईओटी इज रेजिलिएंट एंड रोबस्ट अगेंस्ट अटैक। यानी कि बहुत ही बढ़िया नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है। आईओटी इनेबल न्यू पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें मैंने आपको समझा दिया, मोबिलिटी है, स्मार्ट सिटी, ग्लोबल ट्रेड, डिजिटल आइडेंटिटी की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, सिटीजन
सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस, स्मार्ट चार्जिंग, कार वॉलेट्स, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, फाउंडेशंस के थ्रू चल रहा है। तो आईओटीए प्रोवाइड्स डिजिटल ट्रस्ट इनेबलिंग अस टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। पूरे प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन लोगों ने बनाया हुआ है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसमें पोटेंशियल है, हालांकि कुछ चीजें हैं जो आपको भी अपनी ओर से रिसर्च करनी चाहिए, अगर आप चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हैं इसकी वेबसाइट के थ्रू। और इसके अलावा टोकनॉमिक्स की दोस्तों बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कॉइन मार्केट कैप पे आईओटी इज द प्रोजेक्ट नेम एंड एमआईओटी इज द टोकन नेम। इंडियन रुपीज में अगर बात की जाए तो 35.87 इज द प्राइस, डाउन बाय 4.65% के हिसाब से। रैंक इज 63 है। वॉच लिस्ट की बात की जाए 3,44,612 की इसकी वॉच लिस्ट है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की जाए 2.78 बिलियन एमआईओटी टोकन आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्केट कैप भी 4.69 के हिसाब से गिरावट पे चल रही है। वॉल्यूम्स भी उसी हिसाब से गिरे हुए हैं 13.98% के हिसाब से। इनिशियल से लेके आज तक का चार्ट देखते हैं, एक स्टेगनेंसी बीच में देखने को मिली थी, लेकिन उसे उसे ब्रेक करके एक अच्छे खासे यहाँ पे एटीएच क्रिएट करने के बाद माइनर एटीएच यहाँ पे इसने क्रिएट किए हैं, यानी कि करेक्शंस भी ली हैं और मार्केट इसकी चल रही है। यूं कह सकते हैं कि स्टेगनेंसी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, मतलब इसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इसके प्राइस में बाय सेल हो रहा है, क्योंकि बीच में जो स्टेगनेंसी आई थी उसे इसने ब्रेक करके छोटा सा एक एटीएच भी यहाँ पे क्रिएट किया था पिछले साल। उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो प्राइस में गिरावट ही गिरावट चलती आ रही है, हालांकि आज की डेट पे ये बायबल पोजिशंस पे है, लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो में कुछ नहीं कहा जा सकता है, और एक वोलेटाइल प्रोडक्ट होने के साथ आपको भी समझना चाहिए इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। येस्टरडेज चेंज की बात की जाए 3.39% के हिसाब से गिरावट में देखने को मिला। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो वो 4 साल पहले इसका ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था, विच वॉज 437.86 रुपीज, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। ऑल टाइम लो की बात की जाए ठीक 2 साल पहले 13 मार्च 2020 को 6.13 रुपीज के हिसाब से देखने को मिला था, जो कि आज की डेट में 483.27% के हिसाब से चढ़ाव पे चला हुआ है, यानी कि बढ़त के साथ चल रहा है। और आईओटीए की आरओए की बात की जाए विच इज क्वाइट गुड, 78,578.98% की आपको आरओए देखने को मिल जाएगी। मैक्स सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई रिमेन्स द सेम, यानी कि 2 बिलियन के करीब करीब आपको यहाँ पे ये सप्लाईज की देखने को मिल रही है। और पूरा आईओटीए प्रोजेक्ट दोस्तों हमने आज डिस्कस किया है, इसकी एप्लीकेशंस हैं, खुद का सिस्टम्स हैं, खुद का पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है। व्हाइट पेपर के माध्यम से मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर इसकी कम्युनिटी की बात की जाए तो इसमें आपको वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, आईओटीए बाय कर सकते हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं, कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप डेवलपर हैं तो आप इस पूरे रोड मैप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके साथ आप अपने इनोवेटिव सोल्यूशन स्टार बिल्डिंग कर सकते हैं, और अगर आप डेवलपर्स हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें डेवलप कर सकते हैं, और अगर आप एंटरप्राइज हैं तो आप इनके साथ काम कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल्स इनके साथ अपने बना सकते हैं, और उस हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। सो फाउंडेशन बहुत बड़ा है, जिसमें इंजीनियरिंग, मार्केट अडोप्शन, सोशल पॉलिसी, रिसर्च, पीआर एंड कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात की है, तो इसी हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट को इन्होंने अपनी वेबसाइट के माध्यम से बताया हुआ। दिस इज द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ आईओटीए @IOTA है, और अगर आप ये समझेंगे इसमें यहाँ पर ही वही बात लिखी हुई है जो अपनी वेबसाइट पे लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपना रजिस्टर नंबर भी यहाँ पे देखे रखा हुआ है, ताकि लोग इसे स्कैम ना समझें और इसे एक जेन्यून प्रोजेक्ट की तरह लें, और पूरे प्रोजेक्ट की जो भी डिटेल्स हैं, चाहे फिर आपको किसी मीटिंग के बारे में है, इवेंट के बारे में है, चाहे AMA के बारे में है, चाहे कोई भी यहाँ पे लिस्टिंग की बात की गई है, वो आपको इस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे देखने को मिल जाएगी। वी आर हायरिंग @IOTA, यानी कि आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, और इसी चीज़ को आप समझिए कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोजेक्ट में हो रही हैं, और उन चीज़ों को इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे मेंशन किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसके ट्विटर हैंडल पे भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट को मैंने आज आपके सामने रखा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो से खुश नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।